डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सब एकदम बढ़िया हैं, हम भी ठीक है। तो आज आप सबको मैं पॉन्टा में लेके चलती हूँ। हम अपने अनन्या फाउंडेशन के थ्रू स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन के कुछ सेशंस करवा रहे हैं, तो जो कि मैं आगे आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी। यहाँ के डिग्री कॉलेज में भी और स्कूल में भी एक सेशन है, तो किससे रिलेटेड सेशन है अवेयरनेस का वो आपको ब्लॉग में आगे पता चलेगा। तो पूरा ब्लॉग देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, स्टार्टिंग में ही कर दीजिए लाइक। इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगेगी आगे की तो पहले ही लाइक कर दीजिए। हमारी थीसिस की हम कॉलेज में जाएंगे, बड़ी बड़ी फीस लगती हैं,
काफ़ी खर्चे उससे इन्वॉल्व होते हैं, तो मनी बैंक के रूप में जो पैसा आता है वो उस टाइम जिंदगी के साथ काम आता है। फिर सर्वाइवेबिलिटी बेनिफिट है, मकान बनाना उसके लिए कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में काम आता है। दिस इज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक छोटा सा रिश्ता जब बनाते हैं और उसके साथ लाइफ का रिस्क भी कवर है। अब जिस ब्रेडविनर ने ये लाइफ इंश्योरेंस के साथ जो घर में रोजी रोटी कमाने वाला है, जिसके ऊपर जो है हम बच्चे आश्रित हैं, डिपेंडेंट हैं, जो हमारी हर नीड्स की जरूरतें पूरी करता है, अगर सर्वाइवेबिलिटी हो जाए तो मेजोरिटी में वो सारा पैसा इकट्ठा मिल जाता है। ये आपकी सेविंग, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आती है। लेकिन खुदा ना खास्ता, बिकॉज नोबडी नोज व्हाट फ्यूचर हैज कैप्ट फॉर अस, भविष्य की कोख में हमारे लिए क्या छुपा है ये हमने जाना। लाइफ बहुत अनसर्टेन है, खुदा ना खास्ता अगर उस ब्रेड विनर को कुछ हो जाता है, माइनस हो जाए, तो कभी हम सोचते हैं कि उसके जो पीछे बच्चे हैं, स्पाउस है, और उनके ऊपर क्या बीतते हैं। ऐसे में ये होता है कि जिस स्टेज पे बच्चे पढ़ रहे हैं, उस स्टेज पे गए वो पढ़ाई करने को नहीं पड़ता। माँ बाप जो अपने बच्चों की परवरिश में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखते, अपनी हैसियत से ज़्यादा खुद तंगी खाकर बच्चों की परवरिश करते हैं, तो वैसे बच्चों को जो बड़े लाड़ प्यार से जो है पाले जाते हैं, उनको रोटी तक के लाने पड़ जाते हैं। तो ऐसे में अगर लाइफ इंश्योरेंस उसने लिया है, नहीं तो ना बच्चे भी एक स्टेज पे आके कह देते हैं, जब मतलब कि बुरे वक्त से गुजरना पड़ता है तो उसको चलेगा हमारे लिए। ये निकलता है ऑब्वियसली, जीने वाला जिंदगी के बारे में सोचता है, तो हमारे लिए कुछ छोड़कर नहीं गया, तो इसलिए अरेंजमेंट्स करने जरूरी होते हैं, ताकि हमारे बाद हमारे बच्चे, हमारे परिवार के जो प्रिय सदस्य हैं, उनको ऐसी मुश्किल से ना गुजरना पड़े। उस समय जो है जिंदगी के बाद वो स्लोगन जो है लाइफ इंश्योरेंस का पुख्ता ही काम आता है। तो लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी दोस्त है जो, देखो इंश्योरेंस इज एन इंटेंजिबल प्रोडक्ट, नीदर वी कैन टच नॉर वी कैन सी, है ना, लेकिन जब इसकी जरूरत पड़ती है ना, तब ये एक दोस्त की तरह कदम सामने आता है, जहाँ पर अपने खास भी फील मोड़ देते हैं, उस टाइम ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी और उसके रूप में जो है हमारी मदद करता है। पीछे जो रह जाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी फाइनेंशियल सपोर्ट होती है, जरूरी है। अब लाइफ के बाद आता है हमारी हेल्थ, तो आपने सुना होगा हेल्थ इज वेल्थ, तंदुरुस्ती लाखों में नियामत है, उसको मालिक ने हमें लाखों नियामते भी पक्षी हैं इस सृष्टि के अंदर, लेकिन हेल्थ सबसे बड़ी नियामत है, वरदान है। तो अगर हमारी हेल्थ ठीक है तो हम अपनी पढ़ाई भी कर पाएंगे, अपने रोजमर्रा के काम भी कर पाएंगे और जीवन का आनंद भी ले सकेंगे। हम अपनी लाइफ तभी एंजॉय कर पाएंगे यदि हमारी सेहत ठीक है। अब जब सेहत बिगड़ती है तो क्या होता है, हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ते हैं। उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस जो है ना, जनरल इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है वो काम आता है। अब जैसे हमारे सरकार ने जो है आयुष्मान भारत बीमा करके, कितने लोगों ने सुना है आयुष्मान भारत के बारे में, बीकॉम के स्टूडेंट्स ने तो सभी ने सुना होगा, मैं उम्मीद करता हूँ हाथ खड़ा करोगे, कितने तक का कवरेज ये हेल्थ का देती है, 5 लाख का, वेरी गुड। और इसमें क्या बेनिफिट मिलता है, पूरे इंडिया में मिलता है या खाली हिमाचल में मिलता है, ऑल ओवर इंडिया आयुष्मान भारत का, यानी कि 5 लाख तक का हम इलाज जो है अगर हॉस्पिटल में दाखिल हो जाए वो मुफ्त में, बिल्कुल सही है। फिर एक हमारी हिमाचल प्रदेश की भी हेल्थ इंश्योरेंस है हिम केयर, वो कहाँ पे कवर करते हैं, हिमाचल के हॉस्पिटल्स में इलाज का खर्चा वह करते हैं, और अब पीजीआई चंडीगढ़ में भी उनका कैशलेस का अरेंजमेंट हो गया। ये फाइनेंशियल अरेंजमेंट जो आम और मुफ्त के भाव में जो है सरकार जो है अपना
बीपीएल को ये प्रोवाइड करते हैं, और उसके अलावा जो है स्टैंड होम हेल्थ इंश्योरेंसेज हैं, जनरल इंश्योरेंसेज हैं कई, उनका भी प्रोडक्ट 5 लाख से अगर ऊपर चाहे आप कूड़ा कचरा से लेके कहीं पर किसी की हेल्प करनी है, जैसे मैम ने कहा कि यहाँ पर उनके पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी फीस क्या है अनन्या फाउंडेशन के तहत भरी जाती है, वो भी गरीब बच्चा है या कोई भी जिनको ज़रूरतमंद है उनकी सारी सुविधाएं क्या कौन प्रोवाइड करवाता है, अनन्या फाउंडेशन। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है क्योंकि अनन्या फाउंडेशन को मैं एक आसमान की तरह देखता हूँ, हम तो इसमें क्या छोटे छोटे स्टार हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर समाज में की है जिसके कारण ही मैं इनके साथ क्या है जुड़ा हुआ। तो मैं आपको भी कहना चाहूँगा अगर भविष्य में कभी थोड़ा सा समय दे सकें तो समाज के लिए जरूर देना, क्योंकि अगर आप रियल इंसान हो, आपके अंदर इंसानियत अगर है, तो समाज के लिए कुछ ऐसा काम जरूर करना जो आप निस्वार्थ भाव से कर सकें। अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। देखिए मेरा नाम मनोज है, हमारी दो ब्रांचेज है, लक्ष्य डिफेंस एंड फिजिकल एकेडमी, जो कि शायद कॉलेज के साथ साथ या कॉलेज के बाद इस चीज़ की ज़रूरत आपको पड़ती है। आप किसी कोचिंग संस्थान में जाते हैं वहाँ से क्या है कोचिंग लेते हैं। तो इस चीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारी एक ब्रांच कॉलेज है लक्ष्य डिफेंस एंड फिजिकल, जो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की क्या है तैयारी करवाती है। दूसरी ब्रांच हमने अभी हाल ही में क्या है कोलकाता साहिब के तालवाला में खोल दी है, मशरूम फैक्ट्री के साथ अगर वहाँ नियर डिफिकल्ट लेवल नहीं होता है, 10वीं के बाद फिर इंग्लिश साइड
साइड बाय साइड अगर हुआ अभी फाइनली यार मैंने एम बी ए करी है, मैं वैसे बी टेक था, आई कंसिडर दैट्स अ ग्रेट डिग्री, बट आई वुड सजेस्ट जिसमें तुम्हारा मन लगे वो करो। डिजिटल मार्केटिंग में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट होता था, दैट वॉज द रीज़न आई चोज एम बी ए कि मार्केटिंग वगैरह सीखूँगा और अल्टीमेटली मैं आगे अगर कभी कुछ डिस्कस करना है ऑफिस में या सलाद मंडी में ऑफिस में आओ, पेड एड्स कैसे चलती हैं इसके लिए भी हमारे पास कंसर्न बनते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक बच्चे को खजल करते हैं स्टार्टिंग में, बहुत अलग अलग बात है। एक मार्केटिंग में आपने सीखा है, आपने किसी का लिंक लगाया होगा, उसमें जितनी ट्रांजेक्शन हो उसका आपको ऊपर किया गया, वही चीज़ है कहीं से आपने लीड्स लाए उनको भी जिसमें चाहिए वो आप ऑनलाइन आपके लिंक कर सकते हैं। जाके बात करोगे उससे आपके अंदर मुश्किल आते हैं। मार्केटिंग तो ऑनलाइन आपको अपनी प्रेजेंस बनाना है, मार्केटिंग हो चुकी मैसेज कर दो उस नंबर पे ना, तुम सीखना चाहते हो तो मैं आपसे अकॉर्डिंगली बात करूँगी। अगर सीख लो साल लग जाता है सीखते सीखते ही, अगर कॉलेज कर रहे हो धीरे धीरे आगे उस चीज़ को इंटरेस्ट बनाओ, एक स्किल ऐसा पकड़ लो जिसको कॉलेज की पढ़ाई करना ज़रूरी है क्योंकि ग्रेजुएशन की डिग्री हर जगह लगती है, तो पेपर निकालो साथ में एक चीज़ ऐसी सीखो कल को नौकरी दे दो जो चीज़। तो अगर आपको पाइथन सीखने का मौका मिल रहा है, दो तीन बच्चे हैं जो सीख रहे हैं ऑलरेडी, उनके साथ इन्वॉल्व हो जाओ, सीखो इस चीज़ को, जितने क्वेश्चन आए उतने क्वेश्चन रेज करो, ठीक है? नंबर नोट कर लेना, इस पर मैसेज करो। शिक्षक स्कूल में दाखिल करते हैं, फिर उनके मार्गदर्शन में हमारे जिंदगी का पड़ाव आगे बढ़ता है ताकि हम एक बेहतर इंसान बन सके, अच्छे नागरिक बन सके। तो जितने भी अच्छे गुण हम स्कूल से सीखते हैं वो और कहीं सीखने को नहीं मिलते। तो ये गुरुजनों के सानिध्य में जैसा जो हम बनना चाहते हैं वैसे लोगों की सोबत में रहें, जो वो बने हुए हैं जब उनके साथ जाएंगे तो वो बताएंगे कि कैसे हम वो काम कर सकते हैं। तो आपको जीवन में सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। तो जीवन में जो ये प्रबंधन है एक तरीके का, हम जीवन के हर पड़ाव का जो है ना पहले से ही इंतजाम करना पड़ता है। कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि प्यास लगने पे कुआं खोदा जाता है, पहले से ही होना चाहिए पानी का प्रबंध, तभी प्यास। नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारे जो प्रधानाचार्य हैं आज उन्हीं का दिन है, तो आज हम उन्हीं के बारे में बोलेंगे कि हम परमपिता परमात्मा से
उनके जो है स्वस्थ जीवन के लिए जो दूसरी उनकी पारी है वो बहुत बेहतरीन हो और इसी तरीके से वो अवकाश प्राप्त होने। मंडे को मेरा पेपर है ना जिन क्लासों में, मंडे ट्यूसडे लगने के लिए है। सो कंप्लेन करी थी, कंप्लेन का एटलीस्ट ये बेनिफिट तो हुआ है, पाइपें आई हैं, अब इन पे देखते हैं कितना पानी निकलता है। अब ये बिछेंगे नीचे तो एटलीस्ट जो इस तरीके से पानी भर रहा है थोड़ा वो ना भरे। हमने सेशंस कंडक्ट करा है यहीं पांवटा साहिब में। पांवटा साहिब का जो गवर्नमेंट कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, वहाँ एक सेशन था, दूसरा सेशन गवर्नमेंट स्कूल में था गर्ल्स के लिए। तो कुछ हमने करियर गाइडेंस दिया और स्कूल के बच्चों को किस तरीके से अपने आने वाले फ्यूचर में कैसे गाइडेंस, उनको जो चीज़ ज़रूरत है अगर बच्चे को स्कूल जाते हुए ही हम एक डायरेक्शन दे दें कि उनको क्या करना चाहिए, तो वही करने की हमने कोशिश की थ्रू अपने फाउंडेशन के। तो आज ऐसा ऐसा दिन गया और थोड़ा बहुत बाहर भी हमने देखा कि फाइनली अब थोड़ा सा पाइप्स वगैरह आई हैं ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए। देखते हैं कब कितना समय और लगता है, ऑलरेडी 10 दिन हो गए हैं। आज है 8 अगस्त और 31 जुलाई को ऐसा हुआ था जब पानी घर में भरा था। तो धीरे धीरे एक्शन हो रहा है गवर्नमेंट के काम को, ऐसे टाइम तो लगता ही है और ऊपर से बारिश भी हुई थी पीछे, तो इस वजह से इतना डिले हुआ। बट फिंगर क्रॉस्ड है कि काम जल्दी हो जाएगा और आगे ऐसा इशू ना आए, टच वुड। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।